आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। उदयपुरा से खजुराहो और महोबा रेलवे स्टेशन तक 385 किलोमीटर का विद्युतीकरण अपडेट के ऊपर इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर इस रेलखंड पर 385 किलोमीटर पर कब से चलेगी इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन और इसका क्या है अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे रेलवे का न्यूज अपडेट आपको मिलता रहे। रेलवे द्वारा यह लाइन 385 किलोमीटर तक विद्युतीकरण की जाएगी। इसका कार्य शीघ्र शीघ्र शुरू किया जाएगा और इस रेल रूट पर रेलवे द्वारा बजाज पावर प्लांट के लिए कोयला व अन्य संसाधन पहुँचाने के लिए ट्रेन और खजुराहो एवं छतरपुर के पर्यटन स्थल तक कार्य किया जाना है। रेलवे लाइन का विद्युतीकरण होने से जहां मालगाड़ी की स्पीड बेहतर हो जाएगी, वहीं समय से कोयला व अन्य सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। अन्य ट्रेनों के चलने से इस रूट पर पर्यटक की संख्या में काफी इजाफा होगा और जल्द शुरू होगा काम। उदयपुरा से खजुराहो होते हुए महोबा रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाना है। इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इस रेलवे रूट पर शीघ्र ही विद्युतीकरण का कार्य भी अपडेट किया जाएगा। रेलवे इस रूट पर कई नई ट्रेन शुरू करने वाली है, जिसमें इंटरसिटी एक्सप्रेस से लेकर के सुपरफास्ट ट्रेन जैसी ट्रेनें शामिल रहेगी। इस रूट को जल्द से जल्द विद्युतीकरण हो जाने से 386 किलोमीटर इस रेल लाइन पर अन्य ट्रेनें भी दौड़ाई जा सकेगी, जो कि एक रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें।